नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा फैंटेसी ग्रुप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के होने वाले मैच दिल्ली और लखनऊ के बारे में। आज दो मैच है, ये फर्स्ट मैच का वीडियो है, सेकेंड मैच का वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा आफ्टर सम टाइम। बता दूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन लीग बातें बता दूं, जिससे आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, मुझे मालूम है, बट कोई बात नहीं, मैं आज आपको बता दूं। यदि आप 49 वाला कॉन्टेस्ट में 1-100 रैंक लाना चाहते हो, जो सबका ड्रीम रहता है ग्रैंड लीग में बेहतर से बेहतर रैंक लाने का, तो देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या है ग्रैंड लीग आपको जीतने के लिए, टीम कॉम्बिनेशन बनाने आना चाहिए, जो मैं आपको पर डे वीडियो में सिखाता हूँ। और टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, आपको टीम का स्टैटिक्स मालूम होना चाहिए, टीम प्लेयर्स का मैचअप मालूम होना चाहिए, पिछला जो मैच हुआ था उसमें कौन प्लेयर ने क्या स्कोर किया था, कैसा परफॉर्मेंस रहा था, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखना और मैं आशा करता हूं आज आप लोग ग्रैंड लीग में काफ़ी अच्छा रैंक लाओगे। बता दो, दोनों टीमों का मैच आज वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर के 3:30 में दिखेगा। पिच रिपोर्ट हमेशा वानखेड़े का बैटिंग फ्रेंडली रहती है और स्पिनर को तभी विकेट मिलता है जो स्पिनर विकेट टू विकेट बॉल डालता है, और सामने आज रवि बिश्नोई है जो मेनली गुगली बॉल डालते हैं, तो उन्हें आज स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना। और मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताऊंगा, जो उनका पिछला मैच था दोनों टीमों का, उसमें रवि बिश्नोई ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया था। बता दूं, पिछले 9 मैच में इस ग्राउंड में 5 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया और 4 मैच बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने विन किया है, और पिछले 5 मैच में 4 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है। तो यदि कैप्टन टॉस जीत के बॉलिंग चूज करते हैं, तो आप लोग ये नहीं करना कि जो सेकेंड बैटिंग कर रहा है उसी को फेवर करके टीम बना दे। आप देख सकते हो पिछले 5 मैच में 4 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा दोस्तों, तभी ग्रैंड लीग में बेहतर से बेहतर रैंक आ सकता है। और ऐसा नहीं मैं सिर्फ ग्रैंड लीग का टीम दे रहा हूँ, स्मॉल लीग का भी कॉम्बिनेशन आज हम लोग का बेस्ट जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। जिन भाइयों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है शर्मा फैंटेसी ग्रुप टेलीग्राम चैनल को, तो उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आपसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो दोस्तों। लेट मत करो, क्योंकि ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन, स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन, पिच रिपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, कल आपने देखा रात वाला मैच में मैंने आपको कहा था पिच काफ़ी फंस रहा है, इसलिए आप बॉलर को रखिएगा 100% टीम में, स्पिनर को अपने टीम में रखना है आपको। देखिए कल हम लोग का रैंक जाके मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर भी किया है। बता दूं 27 अप्रैल को जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट से विन किया मैच को सेकेंड बैटिंग करते हुए, लेकिन उसके बाद चारों जो मैच हुआ था बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ भी सकते हो। अब बात करते हैं गिव अवे के क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में मात्र एक गिव अवे का क्वेश्चन है आज आपके लिए, और गिव अवे का क्वेश्चन है हाउ मेनी रन्स स्कोर बाय पंत। आपको क्या लगता है आज ऋषभ पंत कितने स्कोर करेंगे, जो भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो यदि आप प्राइज जीतना चाहते हो तो। और उससे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैंने कल देखा बहुत से लोगों ने कमेंट किया है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनका कमेंट सही भी रहता तो उनके मैं प्राइज नहीं दे पाता, क्योंकि यूट्यूब उनके नाम का मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं करता उनके आईडी का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना कमेंट करने से पहले। दोनों टीमों का प्लेइंग 11 देख ले, तो पहले दिल्ली का देख लेते हैं। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मार्श, ऋषभ पंत, ललित यादव, रोमन पावेल, अक्षर पटेल, साधु ठाकुर, कुलदीप यादव, रहमान और चेतन सकारिया। लखनऊ का देख ले, क्विंटन डिकॉक, राहुल, दीपक हुड्डा, मार्केस टोनिस, आयुष बिदनोई, कुणाल पांडे, जेसन होल्डर, चमीरा, रवि बिश्नोई, आवेश खान और मोहसिन खान। ये है दोनों टीमों का प्लेइंग 11। कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप सब टेंशन मेरे को दो, मैं हूं ना आपके लिए। अब बात करते हैं दोनों टीमों का जो पिछला मैच हुआ था उसमें किस प्लेयर ने क्या परफॉर्म किया था। पृथ्वी शॉ ने 34 बॉल में 61 रन की शानदार पारी खेली थी, और आज भी आप उम्मीद रख सकते हो क्योंकि यह पृथ्वी शॉ का होम ग्राउंड है दोस्तों, होम ग्राउंड। यदि पृथ्वी शॉ स्टार्टिंग में आउट नहीं होते 1-2 ओवर में, तो फिर से पृथ्वी 50+ स्कोर करेगा। डेविड वार्नर, वो मैच इनका फर्स्ट मैच था इस आईपीएल का, इसलिए वो जल्दी आउट हो गए, 12 बॉल में 4 रन। और बता दूं डेविड वार्नर का रवि बिश्नोई के सामने
बहुत ही खराब मैचअप है, बहुत खराब मैचअप है। तो यदि आप डेविड वार्नर को कैप्टन बनाना चाहते हो तो उस टीम में रवि बिश्नोई को आप गलती से भी नहीं रखना, मैं बता दे रहा हूँ। ये था मैचअप जो मैंने बताया था, मैं आपको मैचअप बताऊंगा। रोमेन पावल 10 बॉल में 3 रन, ऋषभ पंत 36 बॉल में 39 रन। ऋषभ पंत का भी रवि बिश्नोई के सामने कुछ खास मैचअप नहीं है। इन्होंने ऋषभ पंत भी 2 बार रवि बिश्नोई के सामने आउट हुए हैं। 28 बॉल में 36 रन एस खान, जो आज नहीं खेलेंगे। बॉलिंग देख लेते हैं लखनऊ की तरफ से। 4 ओवर 30 रन होल्डर, 4 ओवर 1 मेडियन 23 रन 1 विकेट के गौतम। यदि आज के गौतम फिर से खेलते हैं तो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके स्मॉली ग्रेन लीग में। एक खान 3 ओवर 32 रन, रवि बिश्नोई 4 ओवर 22 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट। एंड्रू टाई 3 ओवर 28 रन, कुणाल पांडे 2 ओवर 12 रन। ये था बॉलिंग परफॉर्मेंस लखनऊ का। अब देखते हैं लखनऊ ने सेकेंड बैटिंग करते हुए किस तरह से रन को चेज किया। 149 का स्कोर था, 155 स्कोर किया। राहुल 25 बॉल 24 रन। राहुल का मैं बता दूं मुस्तफिकुर रहमान के सामने बहुत ही खराब मैचअप है। मुस्तफिकुर रहमान का 28 बॉल राहुल ने खेला अभी तक आईपीएल के हिस्ट्री में और मात्र 32 रन स्कोर किया और 2 बार आउट हुआ है। तो आप ये बात का मैचअप का ख्याल रखना टीम बनाते समय। डिकॉक का काफी अच्छा मैचअप है इस ग्राउंड पे और सामने वाली टीम के खिलाफ, तो आप डिकॉक को फिर से आज कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना। 52 बॉल में 80 रन की एक तरफा पारी खेली थी जी, इस डिकॉक के दम पे ही लखनऊ ने पिछला मैच दिल्ली को हराया था। लुइस ने 13 में 5 किया था, दीपक हुड्डा 13 में 11 और कुणाल पांडे ने आके मैच को फिनिश किया 14 में 19 और आयुष बिदनोई 3 में 10। ये था दोनों टीमों का पिछला परफॉर्मेंस, मैं बता रहा हूँ। आप लोग ये नहीं समझना कि ये काफ़ी मैच पहले का है, इसी आईपीएल का है 2022 का ही, क्योंकि लखनऊ तो इसी साल आई है ना। मुस्तफिकुर रहमान ने 4 ओवर में 26 रन दिया, विकेट नहीं मिला पर इकोनॉमिक रहे। ललित यादव 4 में 21 एक विकेट। शार्दुल ठाकुर 3.4 ओवर में 29 रन एक विकेट। नॉर्जी 2.2 ओवर 35 रन, काफ़ी खराब परफॉर्मेंस था। और नॉर्जी आज खेलते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि नॉर्जी का भी इंजरी सही से सही नहीं हुआ और उस दिन दिल्ली क्या हमको समझ में नहीं आती क्यों खिलाई थी। जब कोई खिलाड़ी चोटिल है पूरी तरह से फिट नहीं होता है तो उनको नहीं खिलाना चाहिए। अक्षर पटेल 2 में 11, कुलदीप यादव 3.4 ओवर 31 रन 2 विकेट। आज फिर से कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि कुलदीप का वानखेड़े पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और कुलदीप का जो बॉल रहता है जो विकेट टू विकेट जाता है, उनका जो गुगली होता है, आज फिर से उन्हें विकेट लेके देगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। यह स्मॉल लीग का मैंने आप लोग के लिए 6 इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करके दे रहा हूँ। डिकॉक, राहुल, वार्नर, पृथ्वी शॉ, कुणाल पांडे और कुलदीप यादव, ये 6 प्लेयर्स को आज आप स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो किसी को भी चेंज करके। चाहे डिकॉक पृथ्वी शॉ करो, राहुल वार्नर करो, कुणाल पांडे डिकॉक करो, कुलदीप यादव राहुल करो, इस तरह से आप अपना चेंज कर सकते हैं। स्मॉल लीग का मैंने बताया ये 6 बेहतरीन कैप्टन वाइस कैप्टन इन स्मॉल लीग। अब बताऊंगा मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन। टीम 1 पहले देख लेता हूं, पहले टीम देख लेते हैं। डिकॉक, राहुल, ऋषभ पंत, वार्नर, दीपक हुड्डा, पृथ्वी शॉ, जेसन होल्डर, चमीरा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई। कैप्टन मैंने वार्नर को दिया है, वाइस कैप्टन मैंने डिकॉक को दिया है। यह स्मॉल लीग का टीम है दोस्तों, इसलिए आप देख सकते हो मैंने रवि बिश्नोई को रखा है और कैप्टन मैंने वार्नर को दिया है। ग्रेन लीग का टीम रहता तो मैं वार्नर को रखता कैप्टन, तो रवि बिश्नोई को अपनी टीम से तुरंत साइड करता। ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्मॉल लीग टीम ज्वाइन कर सकते हो। टीम 1 है। टीम 2 आप देख लो, डिकॉक, राहुल, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, मार्केस टोनिस, पृथ्वी शॉ, कुणाल पांडे, मुस्तफिकुर रहमान, ए खान, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई। कैप्टन मैंने राहुल को दिया है, वाइस कैप्टन मैंने पृथ्वी शॉ को दिया है। ये था टीम 2 इन स्मॉल लीग, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा 7 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आज के ग्रेन लीग। जी हाँ, ग्रेन लीग मेगा लीग जो आपको मैं ऊपर बताया था वीडियो में 49 वाला में। मार्स स्टोनिस, रोमन पावेल, ललित यादव, शार्दुल ठाकुर, एम खान और रवि बिश्नोई, 7 ऐसे प्लेयर्स है ये जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 50 से काफी कम है। देखो पिछला मैच में एम खान ने 4 विकेट लिया था तब भी इसका सिलेक्शन परसेंटेज 30 भी नहीं है। मार्केस स्टोनिस, आपको मालूम है कि ये काफी अच्छे बैट्समैन है, बॉलिंग करके भी दे सकते हैं। मार्स बॉलिंग भी करते हैं और फर्स्ट राउंड पे बैटिंग आते हैं और इनका सिलेक्शन परसेंट मास्ट 22% है अभी। तो दोस्तों ये 7 इंपॉर्टेंट प्लेयर को आज ग्रेन लीग में आपको एक ही साथ ट्राई नहीं करना है, आपको एक टीम में 2 को रखना है फिर नेक्स्ट टीम में 2 को रखना है, इस तरह से आप लोग कॉम्बिनेशन ट्राई करना। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है,
दोस्तों वीडियो पसंद आया, आपको लगता है मैंने आपको काफी अच्छा से टीम वन टू टीम टू का कम्बिनेशन प्रोवाइड किया हूँ, ग्रेनली का इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताया हूँ, इंपॉर्टेंट मैचअप मैं आपको बताया हूँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और गिव अवे का कमेंट करना। फिर मिलते हैं आज के सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप विनिंग बाय।